इस वीडियो में जानेंगे आज हम कि इंडिया में 10 लाख के बजट के अंदर इस साल कौन कौन सी कार आएंगी 2023 में। मैं जो बात कर रहा हूँ 2023 की ही बात कर रहा हूँ। इसी साल कौन कौन सी कार देखने को मिलेंगी हमें और उनमें कौन सा इंजन मिलेगा जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी गाड़ियाँ पता लग जाएंगी। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। जीप रेनेगेड, ये जीप कंपनी की नई गाड़ी होगी और सबसे सस्ती भी यही कहलाएगी जीप कंपनी की ओर से। वैसे फिलहाल इंडिया में इस टाइम जीप की 5 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन महंगी हैं सबकी सब। वो जो कार मौजूद हैं वे ये हैं: जीप कंपस, जीप रैंगलर, जीप मेरिडियन, जीप ग्रैंड चिरोकी और कंपास ट्रेल हॉक। और ये जो कार आने वाली है ये 20 जुलाई को आएगी, यानी कि अगले महीने लॉन्च हो जाएगी। ये इस कंपनी की सस्ती गाड़ी होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। आइए जानते हैं कितने सीसी का। 1.4 लीटर मल्टी एयर टर्बो 1398 सीसी का टर्बो चार्जर इंजन मिलेगा। 5 सीटर एसयूवी गाड़ी होगी और गाड़ी में जो कर वेट होगा 1447 किलोग्राम का होगा। और तो सब गाड़ी के लॉन्च होने से पहले ही पता लग जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होगी। हुंडई एक्स्टर, ये हुंडई की नई गाड़ी होगी इंडिया में जो लॉन्च होगी। इसे 10 जुलाई 2023 को लॉन्च करा जाएगा और ये गाड़ी कॉम्पेट करेगी पंच को, क्योंकि ये भी एसयूवी गाड़ी होगी और प्राइस भी उसके सेम ही बैठेंगे। इसके भी इसके एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख ही बैठेंगे और इसमें वेन्यू और ग्रैंड आई 10 न्यूज़ वाला इंजन मिलेगा पेट्रोल में। 1197 सीसी वाला 82 bhp 114 nm का टॉर्क और इसमें कुछ टाइम बाद सीएनजी का ऑप्शन भी लॉन्च करा जाएगा। और देखते हैं ये कार क्या करती है, पंच को कितना पीछे कर पाती है या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। वैसे हुंडई की सभी गाड़ियां बेहतरीन है। सिट्रेन C3 एयरक्रॉस, इस कंपनी की ये गाड़ी 16 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाएगी। वैसे ये कंपनी भी न्यू है और न्यू गाड़ी लॉन्च होगी। फिलहाल इंडिया में इसकी 3 गाड़ियां हैं जो मौजूद हैं: सिट्रेन C3, सिट्रेन C5 एयरक्रॉस और सिट्रेन EC3। और ये जो गाड़ी लॉन्च होगी इसकी एक्सपेक्टेड कीमत 9 लाख रुपये होगी। एसयूवी गाड़ी होगी और पेट्रोल इंजन ही मिलेगा इसमें। 1199 सीसी वाला 110 bhp 190 nm का टॉर्क और टर्बो पेट्रोल इंजन होगा और 6 स्पीड का MT ट्रांसमिशन। और गाड़ी के बारे में आने के बाद पता लगेगा कैसी साबित होगी ये इंडिया में। होंडा डब्ल्यू आर वी फिर से दोबारा लॉन्च होगी। 8 लाख रुपए की एक्सपेक्टेड कीमत 1 अगस्त 2023 में लॉन्च की जाएगी। एसयूवी होगी और अब की बार इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, डीजल इंजन बंद कर दिया जाएगा। 1199 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो कि 90 PS की पावर, 110 Nm का टॉर्क। और होंडा की फिलहाल बस अब 3 ही गाड़ी बची हैं जो ये हैं: होंडा सिटी, होंडा अमेज और होंडा सिटी हाइब्रिड। वैसे WRV इतनी सक्सेस नहीं रही इंडिया में। गाड़ी में है तो दम, फर्स्ट क्लास है, लेकिन लोगों में इतना भरोसा नहीं बना पाई। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या अब तो लोगों को पसंद आ जाए, वो तो वक्त बताएगा। Kia Seltos, 15 अगस्त 2023 में इसका न्यू जनरेशन लॉन्च होगा। अभी तो ये इंडिया में
है, लेकिन इसका न्यू जनरेशन आने वाला है, फिर यह बंद हो जाएगा पुराने वाला उसके आने से पहले ही। इसमें 1497 सीसी वाला इंजन मिलेगा और टर्बो पेट्रोल भी मिलेगा, लेकिन डीजल इंजन का भी पक्का नहीं कह सकते कि मिलेगा या नहीं, क्योंकि डीजल इंजन आने वाले टाइम में सभी गाड़ियों में बंद कर दिया जाएगा। और न्यू सेल्टोस है तो धांसू, और देखते हैं लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स कितनी इंक्रीज होती है। फिलहाल तो किया की इंडिया में 5 गाड़ियां हैं जो ये हैं, किया सेल्टोस, किया सोनेट, किया EV6, किया कार्नेस, किया कार्निवल, बस यही है। फिर टोयोटा रूमियन, ये टोयोटा की नई गाड़ी होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 लाख के बजट में आ जाएगी। इसे लॉन्च करा जाएगा 5 अक्टूबर 2023 को। इसमें पेट्रोल इंजन मिलेगा 1462 सीसी का, 103.25 bhp, 138 nm का टॉर्क और 7 सीटर MUV गाड़ी होगी। इसकी एक्सपेक्टेड एक शोरूम कीमत 8,77,000 से शुरू होगी। लुक आप देख ही लें कैसा है। टोयोटा की इंडिया में मौजूदा 10 गाड़ियाँ हैं और ये आ जाएगी 11 हो जाएंगी। फिर फॉक्सवैगन पोलो 2023। फॉक्सवैगन की पोलो कार काफ़ी पॉपुलर थी इंडिया में, काफ़ी मजबूत और टिकाऊ कार थी। 15 नवंबर 2023 में इसे लॉन्च करा जाएगा दोबारा। पहले तो इसमें 1 लीटर नॉर्मल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था, और अब जो मिलेगा 1 लीटर मिलेगा, लेकिन नॉर्मल वाला नहीं, टर्बो वाला मिलेगा। ये प्रीमियम हैचबैक गाड़ी होगी जो कि i20 बलिनो और एल्ट्रोस को कॉम्पीट करेगी। इसकी एक्सपेक्टेड एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होगी। और फिलहाल वॉक्सवैगन की इंडिया में 3 गाड़ियां हैं, वल्टस, टाइगन और टिगुआन। ये 3 गाड़ी मौजूद हैं, पोलो आने वाली है। MG3, MG की नई गाड़ी आने वाली है जो कि सबसे सस्ती होगी कंपनी की, 6 लाख के बजट में आ जाएगी बेस मॉडल, और 6 दिसंबर 2023 को लॉन्च की जाएगी। MG की गाड़ियां जो जानी जाती हैं फीचर्स की वजह से ही जानी जाती हैं। इसमें 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, एक 1.3 लीटर जो कि 1298 सीसी का होगा, 92 bhp, 118 nm का टॉर्क, और दूसरा वाला 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल जो कि 1497 सीसी का पेट्रोल, 105 bhp, 137 nm का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल और CVT, और 10.4 सेकंड में ये 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेगी। और फिलहाल MG की जो मौजूदा कार हैं वे ये हैं, MG हेक्टर, MG कॉमेट EV, MG क्लस्टर, MG एस्टर, MG हेक्टर प्लस, MG ZS EV। 6 गाड़ियां हैं और एक आने वाली है। देखते हैं क्या होता है इन गाड़ियों में, कौन सी सेल्स में आगे निकलती है, पसंद आती है और किस वजह से, जानेंगे आने के बाद।